दमोह से बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल समेत तमाम नेता मौजूद थे। इसके बाद सिंधी कैंप में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसियों ने बीजेपी का दामन थामा। वीडी शर्मा, मंत्री प्रहलाद पटेल की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। वीडी शर्मा ने कहा कि 6 अप्रैल को जो है 1 लाख के करीब लोग बीजेपी ज्वाइन करने वाले मेगा ज्वाइनिंग प्रोग्राम होगा। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। ये रो नहीं रहे हैं, ये कांग्रेस कुल मिलाकर के असहाय हो गई है। जब दिग्विजय सिंह रो रहे हैं, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मुझे जबरदस्ती भेजा जा रहा है, मेरी लड़ने की तो इच्छा नहीं थी। जब उनके ऐसे नेता, उनके हालात खराब हैं, तो यहाँ दबोह के प्रत्याशी के क्या होंगे? खजुराहो के अंदर मैदान छोड़ के भाग गए। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इनके पास न नेतृत्व बचा है, जनता ने नकार दिया है। और आज भारतीय जनता पार्टी में बूथ बूथ पर लोग आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। 6 तारीख को 1 लाख से ऊपर लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मैं दमोह की जनता से यही प्रार्थना करूंगा, मैं तो दमोह जिले के बाहर से था, दमोह के एक नौजवान को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। मुझसे ज्यादा मतों से उनकी विजय होनी चाहिए, यही प्रार्थना दमोह की जनता से। मुझे लगता है कि मोदी जी का नेतृत्व और कमल का फूल, विकास का हमारा संकल्प और 2047 तक की हमारी कार्य योजना, ये जीत का आधार है।